गुड मॉर्निंग वेलकम बैक सो इन टुडेज़ वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ टुडे डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट वीडियो सेशन में हमने एडवांटेजेस फिनिश किए थे सो so आज हम डिसएडवांटेजेस कंप्लीट करेंगे सो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो इससे कंट्री में क्या कंट्री को क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं सो so, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेजेस एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री टू एक्सपोर्ट इट्स रॉ मटीरियल एंड थर्स एग्जॉस्ट ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं लाइक अमेरिका जापान एंड अदर कंट्रीज़ अल अदर डेवलप्ड नेशंस ये क्या करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स करते हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्स जो रॉ मटेरियल्स है अगर रॉ मटेरियल को ही बेच देगी तो उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा मींस वो कंट्री अपने खुद के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी अगर वो अपने रॉ मटीरियल सारा एक्सपोर्ट कर देगी तो राइट right? सो so, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जाता है उनके रॉ मटीरियल्स को बेचने के लिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस बाय डेवलप्ड नेशंस देखिए इसमें क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नॉट ओनली इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस बट टेक लोन फ्रॉम देम थर्स इन दिस वे दिस डेवलप्ड नेशंस स्टार्ट इंटरफेरिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कराती है कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कैपिटल गुड्स का अपनी ही कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर सकें तो इससे होगा क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये कैपिटल गुड्स डेवलप्ड नेशन से इम्पोर्ट कराने पड़ेंगे और इतने ह्यूज अमाउंट का इम्पोर्ट कराने के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास फ़ंड अवेलेबल नहीं होता है तो इस वजह से पेमेंट करने के लिए उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं और कंट्री पर लोन का बर्डन इंक्रीज हो जाता है और लोन का बर्डन इंक्रीज होने की वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है ये डेवलपिंग यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस यहाँ पे आता है फॉरेन कंपटीशन मैनी टाइम्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू फेस टफ कंपटीशन व्हिच ड्रास्टिकली इफेक्ट देयर ग्रोथ रेट देखिए इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से होता क्या है जो दूसरी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज़ की कंपनी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में एफडीआई uh, करते हैं और अपनी एक ब्रांच सेटअप कर लेते हैं इसकी वजह से इवन जो वो कंपनीज प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का उन प्रोडक्ट उन गुड्स एंड सर्विसेज की कंट्री में डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है तो इस वजह से जो डोमेस्टिक कंट्री है यानी कि डेवलपिंग कंट्री की खुद की जो कंपनीज़ होती हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पटिशन फ़ेस करना होता है फ़ॉर कंपनीज से इवन अगर हम इंडिया में ही ये सिचुएशन देखें तो एक इंडियन कंपनी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कंपनी से कंपटीशन फ़ेस करती है अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें लाइक like, अगर हम हीरो कंपनी की बात करें तो हीरो होंडा जैसे इनका मर्जर हो गया था सो so, इसमें भी ऑटोमोबाइल्स में भी हम देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बने हुए कार्स का कॉम्पटिशन बहुत ज़्यादा होता है इट मीन्स कंपटीशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाता है क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ की क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अच्छी होने की वजह से उनके डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है फॉरेन कंपटीशन का बिकॉज देखिए एक इंडियन कंपनी अपनी ही इंडिया की कंपनी से तो कंपटीशन फेस कर सकती है लेकिन अगर फॉरेन की कंपनी से भी कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो डोमेस्टिक कंपनीज उसे फ़ेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि एक तो फंड की कमी है ऊपर से टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स की भी कमी है राइट तो इससे डोमेस्टिक कंपनीज बंद हो सकती हैं और हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी डिक्रीज हो सकती है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आता है डंपिंग का डेवलप्ड कंट्रीज़ सेल देयर सरप्लस गुड्स इन द पुअर कंट्रीज एट लोअर प्राइस विद द ऑब्जेक्टिव टू डैमेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ पुअर कंट्रीज दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डंपिंग देखिए डंपिंग में क्या होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना जो सरपलस गुड्स है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को पुअर कंट्रीज़ में लोअर कम प्राइज पर बेचती है और कम प्राइस पर बेचने की वजह से पुअर कंट्रीज़ के जो खुद की कंपनीज हैं उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है जिस वजह से डोमेस्टिक कंपनीज़ लॉस में चली जाती है इस प्रोसेस को हम डंपिंग कहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड पर डंपिंग का भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है डंपिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये एक बहुत बड़ा लॉस है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है इंक्रीज इन प्राइस का सो so यहाँ समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से प्राइस किस तरह से इंक्रीज़ हो सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में सो वेन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट मोर असेंशियल गुड्स दैन इट रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ दोेंशियल गुड्स फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पन ड्यू टू दिस प्राइज ऑफ दोड्स इंक्रीज विद इन द कंट्री देखिये समटाइम्स क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर असेंशियल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी है कंज्यूम करना अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देगी दूसरी कंट्रीज़ को वो गुड्स बहुत ज़्यादा बेच देगी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के खुद के अंदर तो वो गुड्स बचेगी ही नहीं अगर हम ऑनियन का एग्जांपल लें सो देखिए ओनियन के एग्जांपल में अगर इंडिया बहुत ज़्यादा ओनियन का एक्सपोर्ट कर दे और दूसरी कंट्रीज़ को ओनियन का सारा प्रोडक्शन जो है वो सेल कर दे तो इससे होगा क्या इंडिया में ओनियन की क्वांटिटीज़ बचेंगी नहीं और इंडिया में शॉर्टेज ओनियन की शॉर्टेज होने की वजह से ओनियन के प्राइजेज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंटरनेशनल ट्रेड का कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिस्क बना रहता है कॉमोडिटीज़ असेंशियल गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने का नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आता है डिपेंडेंस का so the import of cheap products and good quality products by developing countries increase dependence on foreign countries due to which the production within the country stops this dependence increases lots of difficulties for the developing countries सो so, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराने लग जाए सस्ते प्रोडक्ट्स या अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स का दूसरी कंट्रीज से तो इससे क्या हो सकता है इससे डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नेशंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकती है दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड हो सकती है और दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के ख़ुद के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंपनीज भी नहीं होंगी कंपनीज़ नहीं होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और कंट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है राइट right? तो डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा रिस्क है इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नेक्स्ट डिसएडवांटेज आता है लोस टू एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज का सो देखिए इन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज आर लूजर मैक्सिमम टाइम्स देयर इज़ हार्डली एनी इंक्रीज इन डिमांड डिस्पाइट ऑफ फॉल इन प्राइस क्या आपने कभी देखा है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी डिमांड एकदम से बहुत बढ़ जाए ऐसा नहीं होता क्योंकि इंसान एक लिमिट तक ही फ़ूड कंज्यूम कर सकता है आप एक लिमिट तक ही खाना खा सकते हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आज आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप खाना भी बहुत ट्रिपल डबल ट्रिपल कर दोगे खाना ऐसा नहीं होता राइट तो अगर इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के डिमांड में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती है जिससे एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज़ को लॉस होता है सो बिकॉज इंक्रीज इन इनकम विल हार्डली रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड आइटम्स तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम के इनक्रीज होने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड में ज़्यादा बदलाव नहीं आता जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री लाइक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है नेक्स्ट डिसडवांटेज आता है ओवर प्रोडक्शन का सो देखिए फॉर अर्निंग मोर फॉर एन एक्सचेंज कंट्रीज़ ट्राई टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फॉरन एक्सचेंज कलेक्ट करके रखना चाहती है इसके लिए वो कंट्री क्या करती है उन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है ताकि उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके उनको एक्सपोर्ट किया जा सके इससे होगा क्या कंट्री में ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन अराइज़ हो सकती है क्योंकि इनकेस इन केस ऑफ़ फॉल इन डिमांड फॉर दिस गुड्स कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सडनली अगर इस ज़्यादा किए हुए प्रोडक्शन की डिमांड डिक्रीज़ हो गई तो इससे कंट्रीज़ में वो प्रोडक्शन uh, जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा जो किसी काम का नहीं रहेगा ड्यू टू दिस देयर में कम द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर कंट्री में वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन कर दिया गया जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर सडनली उसकी डिमांड कम हो गई और सडनली उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया तो इससे तो सारा किया हुआ प्रोडक्शन वेस्ट जा सकता है ना और इससे कंट्री में डिप्रेशन आ जाएगा राइट यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंबेलेंस हो जाएंगे फ्लक्चुएट हो जाएंगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे और इवन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आ सकती है ओवर प्रोडक्शन की वजह से सो दिस वॉज ओ ओल फॉर टूडे इन टूडेज़ वीडियो सेशन तो इस तरह से हमारा जो डिसएडवाटेज हमने डिस्कस करना था इंटरनेशनल ट्रेड का वो कम्प्लीट हो जाता है थैंक्स अ लोड फ्रॉम माई साइट स्टिल कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपको फीडबैक उसकी मिल जाएगी टिल देन स्टेट यून हैव अ गुड